इग्नोर कर रहे हैं या आप जवाब देना नहीं चाहते? अभी अभी बाहर निकले हूं मैं, अपने आप के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट कर लूं, बाकी मैं बात करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं कि बाहर हुआ क्या। शायद कल के एपिसोड में देखा था जहां पे रोहित शर्मा आए थे, तभी स्टैन ने कहा था कि ये ऐसे ही यू नो जो चीजें समझता नहीं और ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँच गए, इसकी स्ट्रैटेजी थी क्या कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्ट्रैटेजी थी? एक और बहुत अचीवमेंट था इस शो में, क्या है ना, हम लोग सब लोग सलमान सर का या शाहरुख सर का जेस्चर्स कॉपी करते हैं, तो मैं इस आंसर का ना जवाब उस जेस्चर से दूंगा जो सलमान सर ने मेरे कॉपी किया। मतलब इमेजिन करो सलमान खान मेरा जेस्चर कॉपी कर रहा है, इट्स लाइक आई डोंट नो। प्रियंका और स्टैंड में आपको डिजर्विंग स्टैंड लगते थे फैंस का कहना है? पहले तो ये गेम नहीं है, मेरे लिए शो है। मैंने हमेशा ये चीज़ बोला और अपने शो में पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन मैंने बहुत बार बोला कि बहुत लोगों के लिए बिग बॉस एक गेम है, लेकिन मेरे लिए बिग बॉस एक शो है। अब उस शो में जो शो का शब्द होता है ना, वो होता है दिखाना, और जो आप दिखाते हो तो आप किसी चीज़ के लिए आप लोग भी कुछ चीज़ कुछ दिखा रहे हैं, वो जो आप दिखा रहे हैं वो जनता को पसंद आएगा, वो क्या है और क्या पसंद आएगा वो सर जनता जानती है। तो अगर आज स्टैन ट्रॉफी लेकर गया है तो इस उसने जो भी शो किया, खेला नहीं खेला जो भी किया, वो जनता को पसंद आया, लुभाया, अच्छा लगा, इसीलिए वो ट्रॉफी उसने कमाई। बट आपकी आपकी सखी को ट्रॉफी नहीं मिली, इसका दुख नहीं है आपको? मैं खुशियों की तरफ ज़्यादा देखता हूँ सर, तो मैं एफसी के लिए खुश हूँ, बाकी मैं अपने लिए भी दुखी नहीं हूँ, तो मैं किसी और के लिए भी दुखी हूँ। मतलब शिप का गेम उल्टा पड़ गया आपको नहीं लगता? लेकिन आज अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुबह से जो हमने बिताया, इनफैक्ट कल रात से कल शाम से जो हमने समय बिताया है, खाना खाया है और साथ निभाया एक दूसरे के, आज तक जब तक बाहर निकले हम सबको एक चीज़ बताते हैं, यार सुनो आपको ट्रॉफी ना एक वो हो गया, एक क्रिसेंडो है, एक दरवाज़ा है, लेकिन आप दहलीज तक जब पहुँच जाते हैं तो आपको पता घर पहुँच जाओ, तो हम सब वो पहुँच चुके हैं और हम सब विनर्स हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना इस दिन को देखना, बाइट चल रहा दिमाग मत खा, सलमान सर से ही गए थे और सलमान सर के पास बाइट चल रहा, बाइट चल रहा, हाँ ठीक बड़ा नहीं मेरे को नहीं पता, चल फोन रख, मेरे को तो आंसू थे आंखों में क्योंकि मैंने अपना सामान खोला था, हेलो सूटकेस था, फोन दे, और आज सुबह बोला गया कि अपना सामान दादा तला बिग बॉस का सेट पर ये हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होती थी ये हो गया, मैंने अपना सामान खुद बांधा और मैं बहुत, क्योंकि मैंने बहुतों का सामान बांधा है इस घर में, ना विकास हो सुचिता हो, मैंने बहुत लोगों का पैकिंग करी है और वो जो स्टोर रूम में रखना होता है वैसे हम रख देते हैं, मैंने मेरा सामान किसी ने ऑनलाइन ही पैक किया यार, मैंने एक खुला था और मैंने ही पैक करके अभी वापस घर लेके जाऊंगा यार, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं सकती। शालीन आपने पूरे एपिसोड में आरोप लगा रहे हैं कि आपने विक्टिम कार्ड खेला, सिंपैथी कार्ड खेला और लड़कियों के कैरेक्टर पर बहुत सवाल उठाए, तो आपको क्या लगता है कि, और ये घर के लोगों ने भी बात की और हम लोगों ने भी ये नोट किया, क्या आपने लड़कियों के कैरेक्टर पर कपड़ों पे बहुत सवाल उठाए हैं? मेरे ऊपर ना जितने सवाल यहाँ पे उठाए गए मुझे नहीं लगता कि किसी और ने भी किसी और के ऊपर उतने सवाल उठाए होंगे, द होल एग्जिस्टेंस के ऊपर मेरे सवाल उठा दिया, मेरी चाल, मेरे हर चीज़ में सवाल उठाया, तो इस घर में ना सबने हर किसी के बारे में बहुत कुछ बोला है, और क्योंकि ये शो ऐसा है, ये घर ऐसा है कि बहुत सारे आपको बहुत हेक्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होती है आपको और उस